उत्तरकाशी में बनी मस्जिद के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मस्जिद को लीगल बता रहा है। अब ये मामला विवाद का विषय बनता जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदुवादी संगठन के तमाम नेता और स्थानीय लोग मस्जिद को अवैध बताकर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु स्वामी दर्शन भारती और उनकी अन्य सहयोगी ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट जाने वाला रास्ता तथा मस्जिद की ओर जाने वाला रास्ते को बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, लेकिन जनता इसी रास्ते से जाने के लिए अड़ी रही। शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अचानक सभी लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी पुलिस द्वारा छोड़े गए। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह आज मस्जिद के खिलाफ ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को जिला कलेक्ट्रेट में नहीं जाने दे जा रही है। उत्तरकाशी के इस मामले में अब प्रशासन की ओर से अपनी सफाई बीती जा रही है। पुलिस प्रशासन ने इस पर कहा कि मस्जिद को लेकर पहले जिला प्रशासन की ओर से जांच की गई, जिसमें मस्जिद को वैध पाया गया। आईजी गढ़वाल के एस नागनियाल ने कहा कि मस्जिद निजी संपत्ति पर बनी है और वह काफी पुरानी है। अब सवाल यही उठ रहा है कि प्रशासन की ओर से जो सफाई दी जा रही है वह सही है या फिर जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और मस्जिद को अवैध बता रहे हैं वह सही है। जो है एक बहुत दुख के साथ में हम आज काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंचे हुए हैं। इस नगरी से मेरा बड़ा पूरा संबंध रहा, मैंने ये हाल नहीं देखे थे यहाँ के कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा। पहली बात मैं आपको साफ कर दूं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अवैध मस्जिद को जो कि सरकारी भूमि पे बनाई जा रही है उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। यदि आज आपकी मांग पे कोई गौर नहीं कर रहा तो आगे क्या कदम होगा आपका? अब आगे मेरा कदम ही आगे जनता तय करेगी। इतने सारे लोग हैं, इतना उत्तराखंड है, सब लोग हैं, सब लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या किया जाए। एक बात सुनिए आप, जिस जमीन का मुआवजा मिल चुका हो वो सरकार की जमीन होती है और हमने तो ये सुना था पहले कोई मकान बना रहा वहाँ, और अब पता चल रहा है कि वो मकान मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। मामला इस बात का है कि वो मस्जिद अब बनाई जा रही है, वो निर्माणधीन मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, उसे बनाया जा रहा है, उसे रोकना है। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था, वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है, लेकिन देखा गया उसकी भूमि और इन सब चीज़ों को देखा गया तो उनकी अपनी प्राइवेट लैंड पर बनी है। सारी चीज़ें जांच इत्यादि पहले जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा किया जा चुका है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि इलीगल तौर में बना हुआ, बहुत पहले से बनी हुई मस्जिद है ये। और क्योंकि प्रदर्शन करना था श्री राम सेना और के जो जितेंद्र चौहान जी है और दर्शन भारती है, तो उसके में कल अभी तक अनुमति नहीं ली गई थी पहले, फिर उनके द्वारा अनुमति ली गई, फिर रूट तय किया गया ताकि मस्जिद से अलग होके अपना ये प्रदर्शन जो भी है प्रोसेसर है वो कर सके।